हेलो एवरीवन। सो इन द लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आज हम लोग अवध के बारे में देखेंगे, स्पेशली 18th सेंचुरी का अवध कैसा था। तो ये भी उन रीजनल स्टेट्स में है जब मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा, तो ये भी एक ऐसी स्टेट थी जो उभर कर सामने आई, अवध नाम से इसको हम जानते हैं। 18वीं सदी के अवध पे आज हम लोग पूरी बात करेंगे। अभी स्क्रीन पे आप जो मैप देख रहे हैं इसमें आप फोकस करिए उत्तर प्रदेश का, जो आज का हमारा जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है उसमें आप जो हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं वो आपका पूरा अवध प्रोविंस था। आज का जो हमारा अयोध्या है, जो कि अवधवासी अयोध्या हम बोलते हैं, अयोध्या इतनी बड़ी आज नहीं है, ठीक है। आज वो एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से है सिर्फ, लेकिन ये एक इतना बड़ा एरिया जो आपको दिख रहा है ये एक समय पे 18वीं सदी में पूरा अवध प्रोविंस के अंदर आता था, और जिसको एक नवाब रूल किया करते थे। तो अवध के सभी नवाबों को हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट उनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध एंड हिज नेम वॉज सादत खान। 1722 से 1739 के बीच में इनका शासन रहता है। और पहले हम देखते हैं कि अवध का एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे बताते हैं कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट में है, वहाँ से लेकर कर्मनाशा नदी तक ईस्ट में जो भी एरिया आता है वो अवध का एरिया है। एंड आज के समय में जो हमारा बनारस है और इलाहाबाद के पास की जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी कभी इलाहाबाद प्रोविंस का हिस्सा हुआ करती थी 18वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे बताते हैं कि 1722 में अवध जो था वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। द सूबा ऑफ अवध बिकेम इंडिपेंडेंट इन एडी 1722, ठीक है। सूबा मतलब ये मुगल एम्पायर के अंडर में पूरा ये एरिया था, है ना। सूबा बोलते हैं, प्रोविंस बोल सकते हैं। तो ये एक पर्शियन शिया थे, शिया मुस्लिम थे। इनका नाम था सादत खान। इनको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सादत खान को ही बुरहान उल मुल्क बोला गया है। और जो निजाम उल मुल्क है वो हैदराबाद के नवाब बनते हैं आगे, जिनको आसफ जाह भी बोलते हैं। उनका रिलेशन हैदराबाद से है। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं बुरहान उल मुल्क, ये है अवध के नवाब सादत खान का ही दूसरा टाइटल। सादत खान या बुरहान उल मुल्क वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अवध बाय द मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि उस समय के मुगल एम्परर थे। मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने सादत खान को नवाब बना के भेजा अवध का। लेकिन जैसे ये नवाब बनते हैं अवध के, तो इन इनने बिल्कुल बहुत अपनी बात मनवा ली किससे, मोहम्मद शाह रंगीला से, कि आज से जो भी मेरे बाद या मेरे हाँ मेरे बाद से जो भी अवध का नवाब होगा वही पूरे मुगल एम्पायर का वजीर होगा, पूरे मुगल एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है नवाब वजीर सिस्टम की। सादत खान के बाद से जो भी नवाब बनने वाला है अवध का वो डायरेक्टली बन जाए, इनडायरेक्टली वो पूरे मुगल एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर भी कहलाएगा। तो उनको नवाब ना बोल के उनको बोला जाएगा नवाब वजीर, ठीक है। तो आगे यहाँ पे बताते हैं कि सैयद ब्रदर्स को जब मोहम्मद शाह रंगीला हटाना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, तो सादत खान ने उनकी काफी मदद करी थी। लेकिन ऐसा होता है कि सैयद ब्रदर्स को हटाने में जो हमारे आसफ जाह थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, उनने भी काफी मदद करी। और ऐसा फिर कहते हैं कि उनको कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करने लगे थे, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, हैदराबाद के निजाम को। और सादत खान इतने ज्यादा नाराज हो गए मुगल एम्परर से कि उन्होंने खुद इन्वाइट कर दिया पर्शियन रूलर नादिर शाह को, ठीक है, कि आप आओ दिल्ली पे हमला कर दो, ठीक है, आप दिल्ली पे हमला कर दो, आपको यहाँ पे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, करोड़ों में आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। नादिर शाह आते हैं 1739 में, दिल्ली में हमला करते हैं। इसमें उनकी जीत भी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह ने हमला तो कर दिया सादत खान के इन्विटेशन पे दिल्ली पर, कि बड़ा इनको मुनाफा होगा, बड़ा लूटपाट कर सकते हैं, बहुत पैसे मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे। कुछ मिला नहीं, अब सादत खान फंस गए। तो सादत खान को भी कैप्चर कर लिया बैटल ऑफ करनाल के आसपास, बैटल ऑफ करनाल के समय में सादत खान को भी कैप्चर किया, क्योंकि उनकी बात झूठी साबित हो गई। और सादत खान को नादिर शाह बोलते हैं कि अब तुमने जितना मेरे को बोला था कि यहाँ पे बहुत पैसे वगैरह मिलेंगे, तुम मुझे इतने करोड़ों में, जितनी भी इनने बात करी थी 3 करोड़ या 30 करोड़ जो भी वो था, आप मेरे को लाके दे दो, तो मैं तुम्हारी जो दिल्ली है उसको तबाह करने से रोक दूंगा। लेकिन सादत खान कहाँ से लेके आएंगे इतना पैसा, वो तो खुद मुगल एम्पायर में क्या थे, सिर्फ नवाब थे, वो भी एक छोटे से प्रोविंस के, अवध के नवाब थे। तो वो ऐसा कर नहीं पाए और इन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। एंड ही कमिटेड सुसाइड फॉर द सेक ऑफ नेम एंड ऑनर, क्योंकि अब इज्जत तो उनकी रही नहीं, क्योंकि पैसा भी नहीं दे पा रहे थे और बचा भी नहीं सकते थे अब ये दिल्ली को, क्योंकि
क्या है, अब दिल्ली की जनता को भुगतना था जो भी भुगतना था। और इसके बाद नादिर शाह कर देता है मैसेकर ऑफ दिल्ली, जिसमें बहुत लोगों को मारा जाता है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये तो कहानी थी सादत खान की, जो अभी हमने देखी किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी, किस तरीके से इनका अंत होता है। नादिर शाह को इनने इन्वाइट किया, आओ दिल्ली पे हमला करो, ठीक है। और इसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार गए थे, भाग गए थे। और इनके बाद जो आगे नवाब बनने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। अब इनके बाद जो नवाब बनते हैं अवध के, वो थे सफदर जंग। 1739 से 1754 के बीच में इन्होंने रूल किया। अब आप सभी जानते हैं कि इसके अभी क्या हुआ था, अभी नादिर शाह ने हमला किया था, तो दिल्ली किसने जीत ली थी, नादिर शाह ने। कुछ समय के लिए वो भारत में रुका भी था। अब उनसे बिना पूछे तो नवाब बनना सही नहीं था ना, क्योंकि अभी पावर में कौन था, नादिर शाह पावर में था। तो इनने क्या किया, जैसे ये नवाब बनते हैं सफदर जंग, तो नादिर शाह को गिफ्ट कर देते हैं 2 करोड़ रुपए। किसको, नादिर शाह को, ताकि नादिर शाह इनको नवाब बना रहने दे। तो अब जो नए मुगल एम्परर बनेंगे इसी समय में, वो थे अहमद शाह। और जो नए बादशाह बने थे, जो नए मुगल एम्परर बने थे अहमद शाह, उन्होंने नए नवाब, अवध के नए नवाब जो सफदरजंग थे, इनको अलाहाबाद की जिम्मेदारी भी सौंप दी कि आपसे अलाहाबाद का जो एरिया वो भी आप अपने अवध में मिला लीजिए, इसको भी आप ही लोग संभालिए। एंड यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले देखा था नवाब वजीर सिस्टम तो सादत खान स्टार्ट कर ही चुके थे, तो जैसे ही सफदरजंग अब नवाब बनते हैं, इनडायरेक्टली ये वजीर भी बन जाते हैं, पूरे मुगल एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर वजीर भी ये बन जाते हैं। सो सफदरजंग वॉज अपॉइंटेड एज वजीर ऑफ द मुगल एम्पायर ऑल्सो, क्योंकि ये तो किसने स्टार्ट कर दी थी, नवाब वजीर वाला जो सिस्टम था, ये तो इनके पहले वाले जो क्या नाम था उनका, सादत खान, उन्हीं ने स्टार्ट कर दिया था। और पूरी बात भी उनने मनवा ली थी उस समय के बादशाह से कि आपको ऐसा सुनना होगा मेरा। एंड अवध वॉज पीसफुल एंड स्टेबल अंटिल हिज डेथ इन 1754। हम बात कर रहे हैं सफदरजंग की डेथ तक का जो समय था उसकी, तो बहुत बढ़िया शासन रहा इनका, शांति बनी हुई थी अवध में, स्टेबल था पूरा अवध, ठीक है। तो सफदरजंग का समय काफी अच्छा भी था। तब बोलते हैं कि रिलीजन्स के प्रति भी काफी इनने टॉलरेंस दिखाई, और सभी लोगों को जॉब वगैरह ऑफर करते थे। ऐसा कोई इन्हें देखा नहीं कि कौन सा किस रिलीजन का कौन सा व्यक्ति है ना, सभी को बराबर मौका दिया इन्हें अपने शासन में। तो सफदरजंग ये हमने देखा। आगे देखते हैं दूसरे नवाब को। अब जो इनके बाद जो नवाब बनते हैं वो है शुजा उद्दौला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के समय में क्या होगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा, इन्हीं के समय में क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर भी होगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बदल दी जिसने, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने हिस्ट्री कैसे बदली, मराठास को बहुत करारी हार मिली और इसके बाद मराठा उतना ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाए। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की बहुत बड़ी जीत थी, ये भी बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तो ये शुजा उद्दौला का समय जो था काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुजा उद्दौला अवध के नवाब, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये सफदरजंग के बेटे थे, और यहाँ पे बताया गया कि तीसरा बैटल जो लड़ा गया था पानीपत का 1761 में, 1761 में, जिसमें अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। क्योंकि और इसमें ये भी बताते हैं कि जो शुजा उद्दौला था, इसने अफगान इन्वेडर जो अफगानिस्तान से जो आया था, हमला किया था, जो नादिर शाह के साथ भी काफी इसने, उसका कमांडर यह रह चुका है ऐसा बताते हैं। नादिर शाह का, पर्शियन का, पर्शियन रूलर नादिर शाह का कमांडर भी रह चुका है अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का था ये। तो अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली की हेल्प करी थी किसने, शुजा उद्दौला ने। क्यों, क्योंकि मराठास क्या थे, इनके दुश्मन थे। मुगल एम्पायर से कभी मराठास की नहीं पटी, तो अवध के नवाब की कैसे पट जाएगी, है ना। तो इनने इनकी मदद करी अहमद शाह अब्दाली की, और मराठास को हराया भी। ये चाहते थे कि मराठास की जो बढ़ती हुई पावर, उसमें एक रोक लग जाए, और काफी हद तक ये कामयाब हो गए, क्योंकि मराठास इसमें हार गए। इसके बाद दूसरा जो बैटल हुआ इनके समय में, बहुत फेमस बैटल ऑफ बक्सर, 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, बहुत टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, हमारी इंडियन हिस्ट्री में। किस तरीके से अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर को जीत कर कैसे भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो इस बैटल में शुजा उद्दौला जो थे, है ना, और नवाब थे बंगाल के इस समय मीर कासिम, और मुगल एम्पायर थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम टू। इन तीनों को हरा दिया था अकेले किसने, अंग्रेजों ने। मतलब शुजा उद्दौला अवध के नवाब, मीर कासिम बंगाल के नवाब, और मुगल एम्पायर शाह आलम, तीनों मिलके भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर ट्रीटी होती है, क्योंकि यही चले ही आ रहा है शुरू से। पहले लड़ाई होगी, लड़ाई के अंत में कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, ट्रीटी करी जाएगी, संधि करी जाएगी। हार गए, संधि होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के नाम से, 1765 में, एक साल के भीतर में। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो थी दोस्तों, ये दो लोगों के बीच में मानी जाती है। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव और शुजा उद्दौला के बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजा उद्दौला के बीच की जो ट्रीटी है, इसको समझते हैं। तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में कहते हैं कि अवध को वापस कर देते हैं नवाब को, अवध के नवाब को ही अवध वापस कर दिया जाता है।
एज अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या था, अवध के साइड से ही पूरे मराठा वगैरह लगे हुए थे और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मराठा उनकी बिल्कुल बाउंड्री के आसपास आ जाएं, क्योंकि मराठा उस समय बहुत पावरफुल भी हुआ करते थे और परेशानी काफी क्रिएट करते थे मराठा। उनका तरीका ही काफी अलग था लड़ने झगड़ने का, ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स अपनाना, ठीक है। अभी जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है इसमें ये है कि अवध को यहाँ पे एक बफर स्टेट की तरह इन्हें यूज किया है ना, मतलब अगर अंग्रेजों के बीच में और मराठास के बीच में एक और स्टेट रहेगी तो अंग्रेजों को सीधे अटैक नहीं कर पाएगा मराठास जो है ना, उनको पहले अवध को अटैक करना पड़ेगा। तो इसी कारण अवध को नवाब को वापस कर दिया जाता है। तो ये डिप्लोमेटिक इनका डिसीजन था रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे। और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है, अगर हम देखें रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, तो वो क्या था उसको भी समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने दो लोगों से संधि करी थी, एक तो अवध के नवाब से, दूसरा मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम द्वितीय के सामने क्या इनके पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में अंग्रेजों ने अलाहाबाद और कारा को किसको दे दिया, मुगल एम्पायर शाह आलम को दे दिया। किससे छीन के दिया, अवध के नवाब से छीन कर दिया, क्योंकि अवध के नवाब के पास अलाहाबाद का शासन जा चुका था, तो वो वापस लिया, अलाहाबाद को वापस शाह आलम को दे दिया और कारा जो डिस्ट्रिक्ट थी वो भी शाह आलम को दे दी। और इसमें दूसरा उनने क्या लिया, उनने शाह आलम को ये देने के बाद बोला, अब हम तो आपको अलाहाबाद और कारा दोनों वापस दे रहे हैं, आप एक काम करो हमको बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दो। दीवानी राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पूरी जान होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन होगा अब वो शाह आलम को नहीं मिलेगा, मुगल बादशाह को नहीं मिलेगा, बंगाल बिहार उड़ीसा से आने वाला पूरा टैक्स पूरा रेवेन्यू सिर्फ अंग्रेजों का हक होगा, उसमें पूरा अंग्रेजों के पास जाएगा। तो काफी खतरनाक डिसीजन था, लेकिन शाह आलम भी अपनी तरफ मजबूर थे, ठीक है, उनको तो जैसे तैसे करके अपना शासन बचाना था, अपनी गद्दी बचानी थी, भाई मुगल एम्परर थे, भले वो किसी काम के ना थे उस समय, फिर भी क्या करें। तो इस तरीके से दीवानी चली गई बंगाल बिहार और उड़ीसा की अंग्रेजों के हाथ में। इसलिए कहते हैं 1764 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने इसमें बहुत बढ़िया एडवांटेज इनको मिलते हैं, दीवानी मिल जाती है इनको, रेवेन्यू राइट्स इनको मिल जाते हैं। अच्छा, जब अलाहाबाद की ट्रीटी हो गई उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से होती है ट्रीटी ऑफ बनारस, और इसको भी जब साइन किया जाता है तो क्या होता है, अब इसमें थोड़ा उल्टा है, आप देखिए अलाहाबाद और कारा को वापस अवध के ही नवाब को दे देते हैं है ना, और ये बोलते हैं कि आप क्या करेंगे, आपसे कोई आर्मी वगैरह मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी सेना मेंटेन नहीं करेंगे, अंग्रेज के जो सिपाही है ना इंग्लिश सोल्जर्स जो हैं उनको अवध पे छोड़ दिया जाएगा आप ही की प्रोटेक्शन के लिए है ना, और ये भी बोल दिया कि इनका खर्चा आप ही उठा लेना। तो आप खुद सोचिए अवध के नवाब को दो दो डिस्ट्रिक्ट वापस करके बोलते हैं आप अपनी आर्मी हटा दो, हम आपको इंग्लिश सोल्जर्स देंगे, अंग्रेज सैनिक देंगे आपकी सुरक्षा के लिए, और कह रहे हैं उनका खर्चा आप ही देखना। तो अंग्रेज सैनिक अवध के नवाब की सुनेंगे कि अंग्रेजों की सुनेंगे, डेफिनेटली वो अंग्रेजों की बात सुनेंगे। तो ये तो उनके साथ बुरा ही किया, तो क्या करे, करना पड़ा, मजबूर थे, कमजोर पड़ चुके थे। तो ट्रीटी ऑफ बनारस में क्या होता है, 1773 में होती है, अवध के नवाब को अलाहाबाद और कारा दे देते हैं और बोलते हैं अपनी आर्मी हटा दो, हम खुद तुम्हारे को प्रोटेक्शन देंगे, और बोलते हैं इनको सैलरी, इनका खाना पीना रहना ठिकाना जो भी है वो भी आप ही देख लेना। तो प्लस पॉइंट तो सिर्फ अंग्रेजों का ही है इसमें भी। तो ये कहानी की शुजा दौला के साथ, अब आगे देखते हैं दूसरे नवाब के बारे में। अब बनते हैं जो नवाब हमारे अवध के, वो थे असफुद्दौला। अब ये असफुद्दौला आते हैं 1775 से 1797 तक। अब इनके समय में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई शासक अपनी राजधानी बदलता है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ में शिफ्ट कर लिया। फेमस हो गए असफुद्दौला, लखनऊ इनको काफी पसंद था, काफी प्रेम था इनको लखनऊ से है ना, इसलिए इनने क्या किया, लखनऊ के कल्चर को बहुत प्रमोट किया। और आज की इंडिया में भी आप सभी जानते हैं लखनऊ अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, और वहीं पे इनने इमाम बारा बनवाया, रूमी दरवाजा बनवाया, काफी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है ना अवध रूलर्स के। अब यहाँ पे ये भी बताते हैं कि इनको इनकी जनरोसिटी के लिए भी बहुत जानते हैं, काफी दयालु थे है ना, पर्टिकुलरली ऑफरिंग ऑफ फूड एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन टाइम्स ऑफ फेमाइन। अगर कोई फेमाइन का समय आ जाता था, बुरा समय आता था है ना अवध में है ना, मुसीबत का समय आ जाता था, तो खाना देना लोगों को, फ्री में खाना वाना बांटना, लोगों को रोजगार देना, तो काफी अच्छा इनका शासन था। और इनके समय में, अब इनका इतना बढ़िया, इनकी तारीफ तो अभी हमने देखी ली, तो इसलिए इनके समय में कहावत बोली जाती थी, एक सेइंग बहुत फेमस थी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया आपको, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला, मतलब जिसको भगवान भी ना दे उसको कौन दे देगा, असफुद्दौला, मतलब काफी अच्छा इनको यहाँ पे हमको बताया गया है।
टू हुम इवन गॉड डज नॉट गिव असबुद्दौला गिफ्ट, तो काफी फेमस है, तो पूछ सकते हैं असबुद्दौला कहाँ के नवाब थे, तो हमको याद रखना है ये अवध के नवाब थे। एंड यहाँ पे बताते हैं एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ फैदाबाद 1775 में, तो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस यही है कि इसमें भी क्या होता है, दिस ट्रीटी इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज टू इंग्लिश, मतलब और ज्यादा फिर इंग्लिश लोगों को, इन लोगों को क्या करना पड़ता था, सपोर्ट देना पड़ता था। ठीक है, अब असदउद्दौला के बाद भी कुछ नवाब आए थे तो वो इतने फेमस नहीं है। अब हम लोग सीधे बात करते हैं अवध के लास्ट नवाब की, लास्ट रूलर ऑफ अवध की, जिनका नाम था वाजिद अली शाह, तो याद रखना होगा क्योंकि लास्ट रूलर थे, और 1847 से 1856 का टाइम था इनका, काफ़ी बाद में आए। एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज जान ए आलम एंड अख्तार पीर, तो ये टाइटल तो हमको इनके याद रखने ही होंगे, वाजिद अली शाह का दूसरा नाम जान ए आलम अख्तार पीर, लास्ट रूलर ऑफ अवध, पोएट थे, डांसर थे, और कथक जो है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल इंडियन डांस है, उसको रिवाइव किया इनने, बिल्कुल गुम सा गया था तो उसको वापस इन लोग, इनने क्या किया, फेमस किया वापस। आज आज कथक जो आज आप देख रहे तो सब इन्हीं की देन है, आज इनने फेमस कर दिया नॉर्थ इंडिया में कथक को, काफ़ी पूरे इंडिया में आज एक बहुत फेमस क्लासिकल इंडियन डांस के नाम से कथक को हम सभी जानते हैं। एंड अवध वॉज एनेस्ड बाय ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, और आखिरी में यहाँ पे बताते हैं कि अवध फाइनली अंग्रेजों के अंडर पूरा कंट्रोल अवध पे हो जाता है। कैसे होता है, लॉर्ड डलहौजी ये कहते हैं कि जो वाजिद अली शाह है वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, मिस गवर्नेंस का बहाना लेते हुए वाजिद अली शाह से अवध को छीन कर अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। एंड यहाँ से समाप्त हो जाता है अवध नाम का एक बहुत फेमस प्रोविंस। तो ये अभी हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस के बारे में, एक रीजनल स्टेट जो उभर कर निकली थी 18th सेंचुरी में अवध। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में, और तब तक के लिए टेक केयर।